नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके चैनल में जिसका नाम है WWE हिंदी गॉसिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने कोई टी शर्ट बाय करनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आसानी से लिंक पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है पांच ऐसे रेसलर्स के बारे में जो है असल जिंदगी में गे। नंबर पांच पे आती है दोस्तों पेज। जी हाँ दोस्तों, पेज इस लिस्ट में नंबर पांच पर आती है। अल्बर्टो से शादी के पहले दोस्तों टोटल डिवास के एक एपिसोड में पेज ने रिवील किया था कि वो बायसेक्सुअल यानी लड़के और लड़की दोनों में शौक रखती है, और इस रिवील के ठीक बाद उन्होंने ऑन द कैमरा रोजा मेंडिस को किस भी किया था। इसलिए दोस्तों नंबर पांच पे आती है बायसेक्सुअल पेज। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो नंबर चार पे आते हैं WWE के सबसे पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन यानी पैट पैटरसन। पैट पैटरसन दोस्तों WWE के सबसे पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे, और इस लेजेंड के ऊपर दोस्तों काफ़ी समय से रूमर था कि वो गे है कि नहीं, जिसका अंत दोस्तों उन्होंने WWE के ही एक रियलिटी शो जिसका नाम द लेजेंड्स हाउस में किया था। उन्होंने बताया कि वो गे है, और इस रिवील के ठीक बाद उनके लेजेंड साथियों ने उन्हें सपोर्ट भी किया था। नंबर तीन पे आते हैं दोस्तों क्रिस कैनियन। आप में से जो लोग नहीं जानते क्रिस कैनियन कौन है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्रिस कैनियन WCW और WWE दोनों में काफ़ी कामयाब रेसलर थे। वे टेकर और DDP जैसे रेसलर से लड़ चुके हैं। WWE छोड़ देने के ठीक बाद सन 2000 में उन्होंने बताया कि वे गे है, लेकिन दोस्तों डिप्रेशन के मारे 2010 में उनकी मृत्यु होगी और वह चल बसे। नंबर दो पे आता है दोस्तों ऑरलैंडो जॉर्डन। ऑरलैंडो जॉर्डन दोस्तों WWE के फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट चैंपियन रह चुके थे, और वे JBL के साथ अधिकतर दिखते थे। वे उनके ही गैंग के मेंबर थे, और WWE छोड़ने के बाद दोस्तों उन्होंने TNA का रुख किया। TNA में रुक करने के बाद ही दोस्तों उन्होंने वहां स्वीकारा कि वो गे है, जिसके बाद से ही दोस्तों TNA ने उन्हें एक गिमिक दे दिया, और वो गिमिक था गे का, जिसमें वे अपने दूसरे रेसलर्स का शोषण करते थे। इसलिए दोस्तों नंबर दो पे आते हैं ऑरलैंडो जॉर्डन। नंबर एक पे चलते दोस्तों, नंबर एक पे आते हैं डैरेन यंग। जी हाँ दोस्तों, डैरेन यंग रिसेंटली एक्टिव गे रेसलर है। हाल ही में वो WWE में नहीं है, लेकिन वो जल्द अपनी वापसी करेंगे। डैरेन यंग गे है दोस्तों, इसका खुलासा उन्होंने TMZ के एक इंटरव्यू में किया था, जिसमें डैरेन यंग ने स्वीकारा कि वो गे है, और एक शो में तो दोस्तों उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को सबसे इंट्रोड्यूस भी कराया था।